आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के बैकुंठ धाम से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। बुधवार की शाम एक साथ 35 लोगों की लाशें जलाई गई। शाम ढल रही थी, अंधेरा उजाले को अपनी आगोश में ले रहा था, तभी लखनऊ का बैकुंठ धाम चिताओं से उठती आग की रोशनी से नहा गया। शमशान घाट से उठती आग की लपटों को जिसने भी देखा वो सहम गया। लखनऊ के बैकुंठ धाम में एक साथ 35 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। बुधवार की दोपहर तक लखनऊ में कोरोना संक्रमित मरीजों के अंतिम संस्कार का आंकड़ा 46 था, लेकिन शाम होते ही सिर्फ बैकुंठ धाम में ही 35 चिताएं सज गई। बैकुंठ धाम में 35 बेजान इंसानी जिस्म एक साथ राख में तब्दील हो रहे थे और इसी दौरान लोग अपनी छतों से इस हृदय विदारक दृश्य के गवाह बन रहे थे। उत्तर प्रदेश में शमशान घाट हो या फिर कब्रिस्तान, हर जगह इन दिनों बड़ी तादाद में लोगों के शव पहुंच रहे हैं। आलम यह हो चुका है कि कब्रिस्तान में शवों को दफनाने के लिए जगह तक नहीं मिल रही। यूपी में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ लोगों को अंतिम संस्कार करने के लिए भी लाइन लगना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर कब्रिस्तानों में शव को दफनाने के लिए जगह तक नहीं मिल पा रही। लखनऊ में कोरोना काल के पहले कब्रिस्तान में जहां 4 से 6 शव पहुंचते थे, वहीं कोरोना की वजह से कब्रिस्तानों में इसका आंकड़ा करीब 30 के पार पहुंच गया है। कब्रिस्तान के देखरेख करने वालों का कहना है कि बढ़ते हुए शवों की तादाद को देखते हुए कब्रिस्तान के कर्मचारियों की संख्या तक में इजाफा करना पड़ा है, ताकि आने वाले लोगों को शव दफनाने में ज्यादा इंतजार न करना पड़े। और अगली खबर है पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, जहां कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं और लोगों को काशी की यात्रा करने से परहेज करने की सलाह दी है। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और अन्नपूर्णा मंदिर के बाद संकट मोचन मंदिर में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई। संकट मोचन मंदिर में भी दर्शन के लिए 3 दिन पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी, अन्यथा बिना रिपोर्ट मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। हम लोग ने आरटीपीसीआर का नेगेटिव टेस्ट जो 3 दिन से पुरानी ना हो उसको आवश्यक कर दिया है। शिव की नगरी में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने कड़ी चिंता भी जाहिर की और हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराए जाने पर जोर दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बहुत जरूरी होने पर ही वाराणसी आएं, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और अगली खबर है पवित्र नगरी हरिद्वार से, जहां पर दूसरे शाही स्नान के बाद कोरोना विस्फोट हुआ, फिर तीसरा शाही स्नान, 3 दिन में संक्रमितों का आंकड़ा 1821 जा पहुंचा। हरिद्वार में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। 12 अप्रैल को दूसरे शाही स्नान के बाद कोरोना संक्रमितों की तादाद पिछले 3 दिन में 1821 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 525 कोरोना संक्रमित पाए गए। इससे पहले 13 अप्रैल को 9 संतों समेत 696 संक्रमित मिले, जबकि 12 अप्रैल को शाही स्नान के दूसरे दिन 600 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। बता दें कि मेले का अगला अहम दिन 27 अप्रैल है, इस दिन भी भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। इससे पहले तीर्थ सरकार कुंभ को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक कुंभ में यात्री और अखाड़ों में साधु संतों की संख्या सीमित की जा सकती है। समय निर्धारित किया जा सकता है ताकि एक समय में तय संख्या में ही लोग कुंभ में मौजूद रहें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।